हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल होममेड बाय होममेकर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मूंगफली की चॉकलेटी मिठाई, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है और आपके बजट में बनके तैयार हो जाती है। आप इसे अपने घर में ट्राई करें, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। दो कटोरी मूंगफली के दाने को हम अच्छे से भून के इसका छिलका निकाल देंगे। मूंगफली के दाने को हम इस तरह से साफ कर लेंगे। इसे हम मिक्सी के जार में डाल के इसका हम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। मिक्सी को हम रोक रोक के चलाएंगे ताकि इसमें से तेल ना निकले। मूंगफली को हमने पीस के एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम एक कटोरी मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम खूब अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे एक कटोरी और आधी कटोरी हम चीनी ले लिए हैं। हम एक कटोरी पानी डाल के इसके एक तार की चाशनी बनाएंगे। तार की चाशनी चाहिए, इसे हम ऐसे हाथों से चेक कर लेंगे। इस तरह से एक तार का चाशनी इसमें दिख रहा है। अब इसमें हम अपनी मूंगफली मिला देंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे ताकि हमारी अच्छे से मिक्स हो। जब हमारा कढ़ाई छोड़ने लगे तो हम उसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। हाफ चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। ऐसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इस पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पे हम एक पॉलीथीन ले लेंगे और उस पे हम अच्छे से घी लगा लेंगे। चारों तरफ इसमें हम घी अच्छे से फैला लेंगे। अब इस पे हम अपने मिश्रण को पलटेंगे। मिश्रण हमारा गर्म है, ध्यान दें हाथ हाथ ना जले। खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। अब एक पैकेट 10 रुपए वाला चॉकलेट बिस्कुट, जिसको हमने पीस के महीन पाउडर बना लिया है, हाफ कटोरी मिल्क पाउडर, 2 चम्मच चीनी, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मलाई डाल के इसका कड़ा सा डो बना लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम मिला लेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है, मूंगफली का डो और हमारे यहाँ चॉकलेट बिस्किट का डो बन के तैयार हो गया है। चॉकलेट डोल का रोल बना लेंगे। इस तरह से बना के इसे अब हम साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे मूंगफली वाला डो ले लेंगे, इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसको हम इस तरह से पन्नी में रख के फोल्ड करके बेलन की मदद से बेल लेंगे। अब इस पर हम इसको रख के इस तरह से हल्के हाथों से पन्नी से ऐसे हम रैप कर देंगे, इधर से इस तरफ और इधर से इस तरफ। इसे अच्छे से हम रैप करके 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, हमारा मिठाई सेट हो गया है। इसे हम खोल लेंगे। ऐसे हम अपने चाकू से काट देंगे।
पीनट्स चॉकलेटी स्वीट्स बनके हमारा तैयार हो गया है। आप इसे ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।